सुनने मरे लिए वाले। मैंने पूरे हिंदुस्तान में कलाम पढ़ा, लेकिन जगती में पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, धामनगर के इलाके में पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ। ये मत देखा करो कलाम कितनी बार पढ़ दिया गया है, समझ रहे हैं आप? सच्चाई पेश कर रहा हूँ समाज समय के हम सुन्नी बरेली वाले। सुभान अल्लाह। नदीम भाई जब जाते हैं ना बंगाल शहर में, इतने इतने पुराने कलामों की फरमाइश करते हैं जो याद भी नहीं रहते, समझ रहे हैं आप? 10 साल पहले जो कलाम पढ़े जाते, रात मौसम सुहाना हुआ की फरमाइश 5 मरतबा आई, लेकिन आप तो अभी फरमाइश करते ही नहीं है, बस आपको नया नया चाहिए, वापस से बोले सुभान अल्लाह। पूरी डायरी भरी हुई है, लेकिन नया कलाम पढ़ने के लिए सेटिंग करना पड़ती है, समझ रहे हैं आप? आपको हर महीने हर जलसे में नया कलाम चाहिए। खैर, ये मोहब्बतें हैं सरकार से, अल्लाह इस मोहब्बत के सदके इंशाल्लाह आपकी बख्शिश फरमाएगा, इंशाल्लाह मैं भी बख्शे जाऊंगा, इंशाल्लाह आप भी बख्शे जाएंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हम सुन्ने बरेली वाले, हम सुन्ने बरेली वाले, हम सुन्ने बरेली वाले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजू सरिया। या अली या अली। अब मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ बिल्कुल इस मौके की नजाकत से शेर है, तो मैं समझता हूँ पूरा मजमा इस्तकबाल करे इस शेर का, ताकि महसूस हो कि वाकई हम ख्वाजा प्यार के चाहने वाले हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं और ना मरने से डरते हैं। समाज शर्मा ले डरेगा तो नहीं, हमको भगाना भारत से आसान नहीं है दुश्मन का। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा इस्तकबाल करे इस शेर का, इस वक्त मौके की नजाकत से ये शेर गए, पूरा मजमा नारा लगा है। हमको भगाना भारत से आसान नहीं है दुश्मन का, خواجہ کا ہندوستان تاریخی مشاعرہ جگتی قدم رسول شریفیہ کمیٹی عرصے بابا شریف شاہ اسلام سلیم رضا بریلوی نعرہ تکبیر سبحان اللہ ہمارے دوبارہ شعر پڑھا جائے، لیکن پیچھے سے بھی نعرہ رکھنا چاہیے تاکہ لگے کہ واقعی ابھی مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے۔ لب پر نغمے باغ کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سن سے زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سن سے زندہ ہے۔ भारत से आसान नहीं गए दुश्मन ने कभी आसान नहीं। मूजिका माना ये मूजिक फारसी का जुमला है, मूजिक कहते हैं तकलीफ पहुंचाने वाले को। यूं हमको भगाना भारत से आसान नहीं है, मुसीबत आसान नहीं है मुसीबत। खाजा पिया अजमेरी की हम चादर चढ़ा दे वाले
जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर। हाँ क्यों 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 ख्वाजा पीला के रोजे पर चादर न चढ़ाए जा जा कर। क्यों ख्वाजा पीला के रोजे पे चादर न चढ़ाए जा जा कर चादर न चढ़ाए जा जा कर चादर न चढ़ाए जा जा कर। और दुनिया वालों सुनो यूं हमको मिटाना दुनिया से आसान नहीं है अमरीका। यूं हमको मिटाना दुनिया से आसान नहीं है अमरीका आसान नहीं है अमरीका। ये सब उसी के चेले हैं ये सब उसी के चेले हैं जो आज दुनिया को इस्लाम को मिटाने वाले रेले हैं। ये माना कि हम अकेले हैं लेकिन हमारे साथ गरीब नवाज का मोहब्बत है गरीब नवाज की इनायत है गरीब नवाज की करामत है गौसे आजम की इनायत है गौसे आजम के नाम लेवा है। तभी तो शायर कहता है यूं हमको मिटाना दुनिया से आसान नहीं है अमरीका। बैठने वालों की जिम्मेदारी है लेकिन मेरे आला हजरत देख रहे हैं कौन मेरी मोहब्बत में बोल रहा है कौन कौन नहीं बोल रहा है। अब जिसको मोहब्बत है आला हजरत से वो हाथ तो उठा के बोले इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत नारा लगाने वाले हैं हम सुनने बरेले वाले हैं हम सुनने बरेले मुसलमानों को मीडिया के जरिए जलाने की कोशिश की जा रही है कभी बातों के जरिए कभी ताकत के जरिए लेकिन लेकिन सलीम रजा हटते हटते ये आपको पैगाम दे के जाना चाहता है। अगर कोई तकलीफ महसूस हो तो ये शेर याद कर लेना क्या बिगाड़े अब ये जमाने वाले मन्नू भाई है माशाल्लाह। अरे अब तो चेंज हो गए अच्छा पीछे बैठे कि क्या बिगाड़े शहाबुद्दीन भाई शायरों ने खींचना कम कर दिया अब शौक का जमाना आ गया है आप चाहते हैं कि शायर इतना खींचे कि शायर का इंतकाल हो जाए। मुमताज भाई अब खींचने वाले ना रहे समाज फरमाए कि क्या बिगाड़ेंगे क्या बिगाड़ेंगे मेरा अब ये जमाने वाले मेरे ख्वाजा है हाथ बढ़ा बोलो मेरे ख्वाजा मेरे लाज बचाने वाले क्या बिगाड़ेंगे मेरा अब ये समाने वाले।
مالے جو انا ساگر ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।